मेरा नाम सतवीर सिंह है और मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरमल डाणी में पढ़ता हूँ। और मैंने जो आज मॉडल बनाया है वो वायु प्रदूषण के बारे में बनाया है। और वायु प्रदूषण आज देख रहे हैं आप, आजकल बहुत बढ़ रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। और इससे वाहनों से बहुत जो गैसें निकलती है, धुआं निकलता है, और जो ये मैंने लगाया फायर पैलेस चिमनिया, इसमें से जो CO2 निकलता है और इसमें से जो नाइट्रोजन और इसमें से CO2, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये CFC, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि अपने घरों में एयर कंडीशनर AC लगाते हैं उसमें से जो निकलता है वो AC होता है, AC एयर CFC उसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेरा नाम सोनप्रीत कौर है। मैंने 26 जनवरी जो प्रोग्राम करते हैं उसका डिसप्लान किया है। मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में बावरीवाड़ डाणी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुमनदीप कौर है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मैंने ऑप्टिकल बॉक्स बनाया है। इसमें यह होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण ये समांतर होती हैं और ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस मॉडल के अंदर आपको आपतित और परावर्तित किरण दोनों दिख रही हैं, एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, वो एक दूसरे के समांतर ही जा रही हैं और एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। मेरा नाम सुमित्रा कौर है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। और मैंने जो मॉडल बनाया वो सोलर पिन है। वर्किंग दिखाओ बेटा इसकी वर्किंग। मेरा नाम विशाल है, मैं 12वीं डाइम पढ़ता हूँ। मैंने लॉजिक गेट बनाया, इसमें नॉट गेट, एंड गेट और गेट बनाया है। इसमें इन तीनों का मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है। इसमें इनपुट आउटपुट दर्शाते हैं, जब 0 करेंगे तो लाइट नहीं जगेगी और 1 में करेंगे तो लाइट जग जाएगी इसकी। और इसमें एंड गेट में मैंने ये टेबल सेम बनाया है, इसमें 0 पे नहीं जगेगी और 1 पे नहीं जगेगी और तीसरे लास्ट वाले में जग जाएगी इसमें लाइट। और मैंने ये बनाया है और गेट में ये 0 में नहीं जगेगी, 1 में जग जाएगी, जहाँ पे बटन ऑन करेंगे ये जग जाएगी लाइटें, और इसमें तीसरे में से दोनों बटन ऑन कर दें तब भी जग जाएगी। मेरा नाम यशप्रीत कौर है, मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरीवाड़ डाणी में पढ़ती हूँ। मैंने यह मॉडल फ्री एनर्जी जनरेटर बनाया है, जिसमें से रूपांतर ऊर्जा ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है। फ्री एनर्जी जनरेटर, तो ऊर्जा का रूपांतरण दिखाया गया है एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए। मेरा नाम आरती चौहान है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और मैंने मॉडल तैयार किया वेस्ट मैनेजमेंट का। इसमें हम मतलब कचरा डाल के बायोगैस प्लांट में पहुंचा सकते हैं और जो हमें गैस उत्पन्न होती है उसमें से वो हम गैस सिलेंडर में यूज़ कर सकते हैं, और जो मतलब खाद होती है वो हम खेतों में डाल सकते हैं। और ये ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम में मतलब
एक एक पौधे को पानी पहुंचता है और बूंद बूंद करके पानी पहुंचता है, तो उसमें हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैंने COVID-19 के अनुसार हमें SOP नियम की पालना करनी चाहिए, जिसमें से एक नियम है हमें अपने हाथों को बार बार सैनिटाइजर करना चाहिए। इसी पर आधारित मैंने इलेक्ट्रिक सैनिटाइजर मॉडल तैयार किया गया है, किल कोरोना अभियान, जिसमें इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग की हुई है, और जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टच होंगी तो करंट फ्लो होगा, जिससे सैनिटाइजर जो है वो हाथ पे हमें हैंड सैनिटाइज के लिए प्राप्त होगा। तो जब हम इसको पंच करते हैं तो फिर वो दोनों वायर्स जो है वो टच होती हैं और सैनिटाइजर जो है वो हमारे हाथ पे आता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर इसे यूज कर सकते हैं। किल कोरोना अभियान, मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरवल डांड में पढ़ती हूँ। मैंने ये सिंपल सर्किट बनाया जिसमें अधिकतर घरों में उपयोग होता है, जिसका जैसे कि ये देखिए। मेरा नाम धोनी है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ धोनी। तो यह हम जो कटर मशीन है, जो कि चाकू से काटते थे तो जो हाथ कट जाते हैं, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया है कि यह हाथ भी ना कटे और मिर्च भी कटे। तो इससे सब्जी वगैरह काटी जा रही है। बता थोड़ा बहुत। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सबसे पहले बुध आता है, जो सबसे छोटा ग्रह है, और दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह आता है, जो सबसे गर्म है, और इसका आकार पृथ्वी के जितना ही होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, जिस पर जीवन का अस्तित्व है। चौथे नंबर पर आता है मंगल, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका लाल रंग है। पांचवें नंबर पर बृहस्पति ग्रह आता है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, इसे गैसों का दानव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत संख्या में होती है। और छठे नंबर पर शनि ग्रह आता है, इसे इसकी रिंग से जाना जाता है, इसकी रिंग बर्फ के कणों से बनी होती है। और सातवें नंबर पे आता है अरुण आता है, और अरुण और वरुण सातवें और आठवें नंबर पर आते हैं, ये दोनों ही ठंडे होते हैं। मेरा नाम
इख्तियार सिंह है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ और मैंने एक बोर्ड बनाई है जो न्यूटन का तीसरा नियम का पालन करती है, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पीछे की ओर हवा फेंकती है तो वो आगे की ओर, तो पंखे से पीछे की ओर हवा फेंकी जा रही है, बोट आगे की ओर जा रही है, तो ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रही है। ये लाइफाई मॉडल तैयार किया गया है जिसमें लाइट के माध्यम से जो डाटा प्रसारण किया जाएगा, डिजिटल सूचना प्रसारण में लाइट का यूज होगा। वाईफाई पुराना मॉडल था, अब नया मॉडल है लाइफाई। कोई वीडियो निकाल दे, कुछ कोई गाना वाना वीडियो कुछ निकाल दे, व्हाट्सएप पर चला दे, चल का तो दिखाना ही है। पहले तेरा नाम बता, परिचय बता, तेरा बता दिया तूने, बता दिया नहीं बता ही। मेरा नाम मुख्तार सिंह है, मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भावरे वाली डाली मैं पढ़ता हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया है लाइफ आई का पूरा नाम है लाइफ फिडिलिटी। फिडिलिटी अर्थात सत्य के प्रति निष्ठा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑक्स केबल है, इसको एक LED से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से प्रकाश तरंगे निकलती हैं, और ये है, और यहाँ पे एक सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। सोलर पैनल से एक ऑक्स केबल और जुड़ी हुई है जो कि एक स्पीकर से जुड़ी हुई है। तो इसमें लाइट के माध्यम से स्पीकर में ध्वनि पहुंचाई जा रही है, और अगर इस लाइट को अपने बंद कर दें तो स्पीकर की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार लाइट जो है सोलर प्लेट पर रोकी गई है, तो स्पीकर बंद हो जाता है, और लाइट सोलर प्लेट पर पड़ते ही स्पीकर ऑन हो जाता है। मेरा नाम नानक सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बौरे वाली डाणी की 12th class में पढ़ता हूँ, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक फैन बनाया है जो हवा को एकत्रित करके आगे की ओर फेंकता है, जो हमें हवा महसूस होती है। मेरा नाम नीलम है, मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरिया वाली डाणी में पढ़ती हूँ। आज मैंने साइंस फेयर में सोलर पावर सिस्टम मॉडल बनाया है। जैसा कि आप देख रही हैं, ये सोलर प्लेट्स हैं, इन पर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो ये सोलर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। ये
कंट्रोलर है जो कि विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। इसके बाद हम किसी भी यंत्र से सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाटर पंप लगाया है जो कि जमीन में से पानी को एक तो पंप करके एक टंकी में इकट्ठा कर देता है, जिसके बाद मैंने पौधों के लिए इसका उपयोग किया। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मैंने एक प्रदूषण अवशोषण यंत्र बनाया है जिसके दौरान प्रदूषित हवा से हम कोई अन्य ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारह वाली डाणी में पढ़ता हूँ। मैंने यह ड्रोन का सैंपल बनाया है जो कि ड्रोन की तरह कार्य करता है। तो ये ड्रोन मॉडल तैयार किया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा नाम पूजा देवी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैंने मैथस्केयर वाला मॉडल बनाया। मेरा नाम चलता है क्या? चलना है। लाइट बंद करनी पड़ेगी। लाइट से चलता है। मेरा नाम अंकित कौर है। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम बोरी ऑल डैनी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। और मैंने डिफेंडर ऑफ वाटर बनाया है जिससे हमें जितनी वाटर की आवश्यकता होगी उतनी ही पाई। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बारियावाल डाणी में पढ़ता हूँ। और मैंने ये सेफ्टी लॉकर बनाया हुआ है। इसको मैं आपको चला के बताता हूँ। इस पर मैंने 3 डाइट्स हैं वो सेट की हुई हैं, और यदि वो करेक्ट डाइट्स लग जाएंगी तो ये खुल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। मैं एक बार सेट कर देता हूँ। अभी ये खुल नहीं रहा है, आप खोल के देखेंगे तो अभी ये नहीं खुल रहा है। सेफ्टी लॉकर बनाया गया है, अभी ओपन नहीं हो रहा है। इसमें 3 डिजिट सेट की हुई हैं, उस 3 डिजिट पे आते ही ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सेफ्टी लॉकर है। ये एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, इसको एक मोटर की सहायता से लिफ्ट है वो ऊपर आती है। ये मैंने 4 गियर लगाए हैं, 2 जो हैं वो प्लस माइनस के हैं और 2 जो हैं वो उल्टी साइड के प्लस माइनस हैं। यानी कि एक बार यदि ये 2 गियर दबाएंगे तो लिफ्ट ऊपर आएगी और दूसरी बार दबाएंगे तो ये नीचे जाएगी। चल रही है। मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की मैं पढ़ती हूँ। मेरा नाम रमदीप कौर है। मैंने ये फायर अलार्म बनाया है जिसमें आग लगने पर सूचना देने वाली कैंटीन देने ये देने आग लगने पर सूचना आग लगने पर सूचना देने वाला यंत्र है। अब आप देखिए, यहाँ एक तिल्ली जलाई जा रही है।
तो ये सूचना दे रहा है कि यहाँ जो है वो आग लग चुकी है। मैं क्लास ट्वेल्थ की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम समुद्री देवी है। मैंने यहाँ पे वाटर सर्कल बनाया है। ये बताता है कि कैसे वाष्प बनकर पानी भाप में उड़ता भाप बनकर उड़ता है, वह बादल बनते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, वह पानी नीचे आ जाता है। इसी तरह वाटर का सर्कल चलता रहता है। मेरा नाम तनवीर कौर है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावनी में कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। और इसमें मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। इसमें हम जब बारिश का पानी है उसे इकट्ठा करके फिर हम इस में इसमें पानी आ रहा है। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रेन वाटर को ऊपर कलेक्शन टैंक में स्टोर किया गया है और वो नीचे दो टैंक में सप्लाई हो रहा है। मेरा नाम सीमा देवी है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट है, ये फ्यूल से चलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट दिखाई गई है। तो ये वर्तमान में जो ट्रैक्टर्स वगैरह के अंदर भी इस लिफ्ट का यूज किया जा रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब बता दे। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बावरी वाली डाणी में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और ये मैंने वातावरण प्रदूषण के बारे में मॉडल बनाया है, जो कि कारखानों से ये गंदा पदार्थ निकलता है तो ये जल में विसर्जित हो जाता है। तो ये जानवर जो होते हैं वो गंदा पानी पी लेते हैं और उनके जीवन में संकट आ जाता है। और ये आवाजाही के साधनों से भी गंदा धुआं निकलता है जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और आवाजाही के साधनों में कमी करनी चाहिए। मेरा नाम रजनी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैंने ये स्मार्ट सिटी बनाई है। इसमें ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इसमें मैंने सोलर प्लेट्स का यूज किया है, जो सूरज से आने वाली सौर किरणें हैं उनको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और फिर उस जो बिजली है विद्युत ऊर्जा उसका हम यूज़ अपने शहरों में घरों में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पवन चक्की का यूज़ किया, इससे भी बिजली उत्पन्न होती है जैसे कि आप जानते हैं कि शहरों में आवाजाही ज़्यादा होती है, धुआँ ज़्यादा होता है, प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों होते हैं। तो पेड़ पौधों की वजह से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों रुकते हैं। जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पेड़ पौधों से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों रुकता है। ये जो लाइट्स है इस पर भी मैंने सोलर प्लेट्स का यूज़ किया हुआ है। दिन में तो ये जो है सोलर प्लेट्स है इससे जो सौर किरणें हैं वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है और वो हम दिन में तो उसमें बैटरी में इकट्ठी कर लेते हैं और फिर रात में इसका इस्तेमाल यूज करते हैं।